मालदीव से निकल नहीं पाए श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। और आपको बता दें कि प्रदर्शन के डर से सिंगापुर की फ्लाइट भी उन्होंने छोड़ दी। स्पीकर बोले गोटबाया ने इस्तीफा नहीं भेजा। प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई से और बिगड़ सकते हैं हालात, श्रीलंका संकट पर एयरपोर्ट ने चेताया। श्रीलंका में प्रदर्शनों में एक की मौत, 75 जख्मी। उग्र विरोध को देखते हुए सेना ने नीचे किए हथियार। भारत का श्रीलंका के साथ व्यापार ठप पड़ा, एक्सपोर्टर्स पेमेंट को लेकर चिंतित। चीन ने श्रीलंका की मदद नहीं की, भारत का आभारी हूं, बोले राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे साजिद प्रेमदासा। डोनबास पर उत्तर कोरिया के बयान से नाराज यूक्रेन ने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ा। जपोरिजिया में रूसी हमले में 23 नागरिक घायल। ब्रिटिश पीएम की रेस में ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत, पहले चरण की वोटिंग में किया टॉप। लैंगिक समानता में भारत की स्थिति में सुधार, पिछले साल से 5 पायदान ऊपर, पाकिस्तान दूसरा सबसे खराब देश। हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरी ईरानी महिलाएं, इस्लामिक कानून के विरोध में सार्वजनिक तौर पर पर्दा हटाया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। मैक्सिको में मातृभाषा बोलने पर छात्र को जिंदा जलाया, नस्लीय हमले में सीट पर अल्कोहल डाला, कपड़े भीगे तो उनमें आग लगा दी। कनाडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर, भारतीय दूतावास ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। आज से सावन महीने की शुरुआत, 2 साल बाद होगी कांवड़ यात्रा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। कांवड़ यात्रा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 400 सीसीटीवी कैमरे, 10,000 पुलिसकर्मी, 11 एसपी और 38 डीएसपी तैनात। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सावन, इन रास्तों से श्रद्धालुओं को पहुंचने में होगी सहूलियत। उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब। पीएम नरेंद्र मोदी ने की रामनाथ कोविंद से मुलाकात, इस महीने खत्म हो रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 12 यूट्यूब क्वाड की पहली शिखर बैठक आज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति चुनाव में उठा सीएए एनआरसी का मुद्दा, विपक्षी कैंडिडेट यशवंत सिन्हा बोले मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो नहीं लागू होने दूंगा सीएए कानून। यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे पर बनाया गया दबाव। गोवा के मंत्री गोविंद गौड़े ने दिया अटपटा बयान, कहा ताजमहल के लिए शाहजहां ने नहीं निकाला था टेंडर। लगातार बारिश से भारी तबाही, जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। पीएम मोदी का गुजरात दौरा स्थगित, बाढ़ की वजह से स्टेट हाईवे बंद, 487 जानवरों की गई जान। गुजरात में आसमानी आफत से हाहाकार, नवसारी जूनागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश से हाहाकार, बच्चे को बर्तन में डालकर पार कराई गई उफंती नदी। मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। आज रेलवे ने किया 194 ट्रेनों को कैंसिल और 11 डायवर्ट, रेलवे ने अलग अलग कारणों से किया रद्द। भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज, मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंची मतपेटी, स्ट्रांग रूम में रखाई गई मतपेटियां। भोपाल में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का दौरा, कांग्रेस विधायकों की बैठक में होंगे शामिल, कांग्रेस विधायकों से करेंगे मुलाकात, समर्थन की अपील। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने फिर किया ट्वीट, अब 2 अक्टूबर की जारी के पहले राज्य सरकार को चिताया। हरदा में बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू, 100 से ज्यादा बच्चों और महिलाओं का रेस्क्यू, बाढ़ में फंसे बच्चों को निकाला सुरक्षित। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के यहां आयकर विभाग का छापा, संजय शर्मा के कई ठिकानों पर सुबह 5 बजे पहुंची आईटी विभाग की टीम। बुरहानपुर में असीरगढ़ किले में खाई में गिरा वाहन, हादसे में 1 की मौत, 13 घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। खरगोन में मूसलाधार बारिश का दौर, जबरदस्त बारिश से नदी नाले उफान पर, दुकानों में घुसा पानी, सड़क पर नदी जैसा दृश्य। रायपुर में मॉनसून सत्र से भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, बैठक में मछुआ नीति को दी जाएगी मंजूरी। सुकमा में बारिश बनी आफत, कोंटा इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, कृष्णा मंदिर समेत छात्रावास में घुसा बाढ़ का पानी। बलौदाबाजार में बारिश से नदी नाले उफान पर, पलारी ब्लॉक के अमेठी घाट में अचानक तेज हुआ पानी का बहाव। एनीकट से 5 फीट ऊपर बह रहा पानी, जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। बीजापुर में गोदावरी में खतरे के निशान के करीब बाढ़ का पानी, आवासीय छात्रावास तक पहुंचा बारिश का पानी। रायपुर में जुआ खेलते 8 लोग गिरफ्तार, जुआरियों से 4,07,000 नगद बरामद, मंदिर हसौ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी राज्य सरकार। 20 जुलाई से रायपुर के 3 गौठानों में होगी शुरुआत।